girl, how are going your vacation? You are happy at home? Okay, very good. कैसे आप सर? बच्चों ठीक ठाक? घर में खुश है आप सर? ठीक है, आप घर में खुश रहे, सेफ रहे, एंजॉय करें छुट्टियों को, ठीक है? लेकिन साथ साथ आप अपना काम करते रहे, ठीक है बच्चों? ओके ओके बच्चों, सबसे पहले आप सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखें, डियर डेवलप स्टूडेंट्स एंड लुक एट द बोर्ड एंड टेल मी व्हाट डेट इज टुडे, व्हाट डेट इज टुडे, टुडे इज 19th April 2021. And now tell me what day is today? Today is Monday. Today is Monday. Okay, students, you know how many days in a week? Very good. There are 7 days in a week. How many days? There are 7 days in a week. Okay. Tell me, first day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday is a holy day. And today is Monday. Monday is the first day of the week. Okay? Very good. Okay, students, now tell me, how many seasons are there in a year? You know? Very good. There are 4 seasons. There are 4 seasons in a year. In a year, okay? Okay. Tell me the name. Summer, winter, autumn, and spring. And which is the rainy season? Students, which is the rainy season? The rainy season is summer. The rainy season is summer. Okay. Very good. Okay, students, be attentive. Okay, students, be attentive. Okay, students, and get ready for your general knowledge question. Some general knowledge question. Okay, students, आपने जो बताया, हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? Very good. हम सब मुसलमान हैं. हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने. हमारा मजहब क्या है? इस्लाम. वेरी गुड. हमारे आखिर नबी का क्या नाम है बच्चों? आपको पता है? आप जानते हैं? वेरी गुड. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. ओके ओके बच्चों, मुझे बताए हमारी ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री. वेरी गुड. हजरत, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? पाकिस्तान. And when did Pakistan came into being? On 14 August 1947. Very good. Next question. Who is the founder of Pakistan? Good. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And who is our national poet? Who is our national poet? Very good. Allama Iqbal. In which city do you live? Students, tell me. And which city do you live? In Islamabad. Very good. Okay, students, get ready for your English classwork. Which classwork? English classwork. And take out with English book. Look this book. Take out with English book from your bed with the help of your mother and open this page. And open this page. Page number 5. Page number 4 is almost done. हम कर चुके हैं page number 5. Page number 4. अब आते हैं page number 5 पे. Page number 5 पे क्या है? Page number 5 है हमारा dressing. क्या है? Dressing. सारे बच्चे ये वाली page खोले. जल्दी से book निकाले. ये वाली page खोले. साथ में pencil और sharpener भी निकाले. First पेंसिल को शार्प करें. एंड क्या है पेज नंबर 5 पे? ट्रेस द लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द रेड डॉट्स. व्हाट इज रेड डॉट्स? आपको पता है बच्चों रेड डॉट्स क्या है? देखिए, यस, यहाँ पे ये रेड डॉट्स जो है, ये बड़ा सा जो नुक्ता लगा है, इसको क्या कहते हैं? इसको रेड डॉट्स कहते हैं. आप लोगों ने क्या करना है? यहां से आपने स्टार्ट करना है लाइन को. आपने
ट्रेस करते जाना है. जॉइन डोर टू डोर एंड कंप्लीट द लाइन. डन. ओके, इस तरह आप लोगों ने ट्रेस करते जाना है. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेड डॉट्स. रेड डॉट से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और सर्कल को कंप्लीट करते जाना है, इसको ट्रेस करते जाना है. समझ आ रही बच्चों? वेरी गुड. डू योर वर्क नीट एंड क्लीन. Done. Very good. Start from the red dots and join dots to dot and complete your lines. Okay. इसी तरह से आप लोगों ने ये पेज ट्रेस करना है. आपने रेड डॉट से स्टार्ट करना है एंड कंप्लीट करने लास्ट को. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए. नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 6. सारे बच्चे बुक की तरफ देखे, ये वाली पेज दिखा रहे. वेरी गुड. एंड पेज नंबर 6 पे क्या है? स्मॉल लेटर राइटिंग प्रैक्टिस A to M. ए टू एम स्मॉल लेटर राइटिंग प्रैक्टिस है. ठीक है बच्चों. ओके, ये क्या है? स्मॉल ए. स्मॉल ए को ट्रेस करना है. स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ एंड जी, एच आई जे के एल एंड एम. कहाँ तक आप लोगों ने स्टार्ट करना है? ए टू एम. आपने क्या करना है? आपने ट्रेसिंग करनी है. स्मॉल लेटर्स की आपने ए टू एम प्रैक्टिस करनी है, आपने राइटिंग करनी है. नीचे आपने टू लाइन जो दिए गए हैं खुद से आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, सेल्फ राइटिंग आप लोगों ने करना है. क्या करना है? सेल्फ राइटिंग. ठीक है, नीट एंड क्लीन आपने ये पेज अच्छे से करके मैम के साथ इसकी पिक्चर या वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करनी है. ठीक है बच्चों. ओके, डन. वेरी गुड. ओके नर्सरी क्लास, बी अटेंटिव एंड गेट रेडी फॉर योर उर्दू क्लास वर्क. विच क्लास वर्क? उर्दू क्लास वर्क. ओके, टेक आउट योर उर्दू बुक. विच बुक? उर्दू बुक. ये वाली बुक निकालें. सारे बच्चे बुक की तरफ देखें. वेरी गुड. एंड खोले ओपन दिस पेज. पेज नंबर सिक्स ऑलमोस्ट डन हमारा हुआ है. ठीक है, एंड पेज नंबर 7 पे आ जाए. पेज नंबर 7 पे क्या है? पढ़िए और लिखिए. पेज नंबर 7 पे क्या है? हर्फ पी. हर्फ पी, ये कौन सा हर्फ है? हर्फ पी. पी के नीचे कितने नुक्ते हैं? 1 2 3. पी के नीचे 3 नुक्ते. पी पेंसिल. ये क्या है? पेंसिल की तस्वीर है. एंड ये क्या है? पी पतंग. ये क्या है? पतंग. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये किस चीज की तस्वीर है बच्चों? ये क्या है? वेरी गुड, ये पत्ता है. क्या है? पत्ता. पी से पत्ता. समझ आ रहे? वेरी गुड. अब ये क्या है? हर्फ पी की लिखाई. हर्फ पी को लिखिए. किस तरह आपने लिखना है? यहाँ पे आपको रेड डॉट्स दिया हुआ है, आपने रेड डॉट से स्टार्ट करना है एंड हर्फ पी को कंप्लीट करना है, ट्रेस करना है. वेरी गुड. इसी तरह आप लोगों ने हर्फ पी की प्रैक्टिस करनी है लिखने की. ठीक है, एंड यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इसी तरह आपने कंप्लीट करते जाना है. एंड वाली टू लाइन्स पे आप लोगों ने खुद से हर्फ पी लिखने की प्रैक्टिस करनी है. समझ आ रही है बच्चों? वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्या है? दायरा बनाइए और रंग भरिए. आप अपने बुक पे
देखे कि दायरा बनाइए, ये क्या किस चीज़ पे दायरा बनाए, क्या करना है, ये किस चीज़ का तस्वीर दिया हुआ है बच्चों, ये क्या है, ये पत्ता है, क्या है, पत्ता। अच्छा ये पत्ते की तस्वीर है, नीचे कौन से हर्फ दिए हुए हैं, हाँ ये कौन सा हर्फ है, हर्फ बी, बी के नीचे एक नुक्ता, एंड ये क्या है हर्फ पी, पी के नीचे तीन नुक्ते, वेरी गुड। तो ये किस चीज़ की तस्वीर है, पत्ते की, पी पत्ता, आपने हर पी को सर्कल करना है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, ये किस चीज़ की तस्वीर है बच्चों, पेंसिल, जिसे आप लिखते हैं ना, ये क्या है, ये पेंसिल है, वेरी गुड, ये पेंसिल की तस्वीर है। ये कौन सा हर्फ है, हर पे, और ये कौन सा हर्फ है, हर बे, पे पेंसिल या बे पेंसिल, हाँ बे से पेंसिल, नो पे से पेंसिल, हर पे को आपने यहाँ पे भी आपने हर पे को सर्कल करना है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हर्फ, ये क्या है, ये किस चीज़ की तस्वीर है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, ये पतंग है ना, हाँ अच्छे से जानते हैं पतंग को, है ना, वेरी गुड, क्योंकि आपके खेलने का चीज़ है इसलिए आप जानते हैं पतंग को, वेरी गुड, ठीक है ये भी अच्छी बात है आप जानते हैं। अच्छा ठीक है, ये कौन सा हर्फ है, हर्फ बे, हर पे, बे से पतंग आता है या पे से आता है, बे से आता है, नो वेरी बैड, बे से तो नहीं आता, बे से तो बिल्ली आती है, गुड, पे से आता है, पे पतंग, आपने यहाँ पे हर पे को आपने सर्कल करना है, ठीक है, डन, ओके समझ आ रही है, वेरी गुड। अब एक दफा बोर्ड की तरफ देखें, मैम बोर्ड पे आपको समझा रही है, ठीक है, हमें क्या हर पे की हमने लिखाई की बुक पे आपने करनी है, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाए, दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाए, ठीक है। अब सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखें, ये किस चीज़ की तस्वीर है बच्चों, ये किस चीज़ की तस्वीर है, ये क्या है, पत्ता, पे पत्ता, ये क्या है, पे पत्ता। अच्छा नीचे देखिए कौन से हर्फ दिए हुए, हर्फ बे और पे, आपने बे को सर्कल करना है या पे को सर्कल करना है, हाँ बे को सर्कल करना है, नो गलत बात, बे को सर्कल नहीं करना है, हर पे को सर्कल करना है, पे से पत्ता, यहाँ पे हम पे को सर्कल करते हैं, ठीक है, पे से पत्ता, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए, ये क्या है बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है, ये क्या है, पतंग, वेरी गुड, क्या है, पतंग, पे से पतंग। अब कौन से हर्फ दिए हुए, पे, हर पे एंड हर्फ बी, बी को सर्कल करना है या पी को सर्कल करना है, पी से पतंग, वेरी गुड, यहाँ पे हम हर पी को सर्कल करना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बुक पे पेज नंबर 7 को अच्छा सा नीट एंड क्लीन करके मैम के साथ अच्छी सी इनकी वीडियो या पिक्चर व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, ठीक है बच्चों, ओके टेक केयर, लव स्टूडेंट्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।